नमस्ते। डिवाइन क्योर में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप जैन है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर और एक प्राणिक चिकित्सक हूं। हम लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट के द्वारा उन तरीकों को खोजने का प्रयास करते रहते हैं जिसके द्वारा मरीज अपने सुविधाजनक स्थान पर एवं अपने सुविधाजनक समय पर स्वयं ही अपना इलाज कर सके। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी भविष्य में आने वाली सभी हीलिंग वीडियोस की जानकारी आपको तत्काल पहुंच सके। आज का विषय हृदय रोग से संबंधित है। हृदय की समस्याएं मुख्य रूप से उच्च कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की उच्च स्तर से संबंधित होती है। दिल की समस्या ज्यादातर गतिहीन जीवन शैली, तनाव, भावनात्मक मुद्दे, स्ट्रेस के कारण हो सकती है। ये वंशानुगत कारणों से भी होती है। यदि किसी को दिल का दौरा पड़ने के लक्षण हो तो उस व्यक्ति को तुरंत संजीवनी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल या डॉक्टर तक पहुंचने में पर्याप्त समय मिल जाएगा। इस मुद्रा को इस प्रकार बनाया जाता है। अपनी तर्जनी को अंगूठे के नीचे रखना होता है और मध्यमा और अनामिका इन दोनों को अंगूठे के टिप से ऊपर के भाग से जोड़ना है। इस प्रकार करने से ये संजीवनी मुद्रा बन जाती है। सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे। ऐसा करने से आपको तत्काल हृदय घात की स्थिति में लाभ मिलेगा। हार्ट अटैक या दिल के दौरे की स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर या हॉस्पिटल से परामर्श लेना चाहिए और उनके द्वारा सुझाई गई उचित दवा या सर्जरी इत्यादि लेना आवश्यक है। ये सत्र तभी किया जा सकता है जब रोगी स्थिर हो, अर्थात हार्ट अटैक से पहले, ताकि भविष्य में कभी दिल का दौरा ना पड़े, या फिर हार्ट अटैक होने के बाद डॉक्टर से या हॉस्पिटल से उचित परामर्श लेने के बाद जब आपकी स्थिति स्थिर हो जाए उस समय ये सत्र आप कर सकते हैं। अभी हृदय रोग को ठीक करने के लिए एक रेकी सत्र करेंगे। ये उपचार परमपिता परमेश्वर की अनंत शक्ति रेकी द्वारा होगा। परमपिता परमेश्वर की अनंत शक्ति ही आपका उपचार करती है। मेरा रोल सिर्फ इसमें एक माध्यम का है जो उस अनंत शक्ति को आपके साथ जोड़ता है। इसके लिए एक शांत जगह का चयन करें और किसी कुर्सी पे आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, या फिर आप अपने बिस्तर पर लेट भी सकते हैं। इस सत्र को लेट कर भी किया जा सकता है। इसको हेडफोन के साथ या बिना हेडफोन के भी किया जा सकता है। इस सत्र को शुरू करने से पहले मैं रेकी और सभी हायर एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, सकारात्मक ऊर्जाएं, उनका आवाहन करूंगा और उनको
हमारी मदद करने के लिए तथा इस सत्र को सफल करने के लिए प्रार्थना करूंगा। उस प्रार्थना के पूरा होने के बाद मैं आपके लिए पुनः प्रार्थना करूंगा, जिसमें आपको मेरे बाद शब्द दर शब्द दोहराने होंगे। उस दौरान आप अपने उन देवताओं को भी बुला सकते हैं जिनके ऊपर आपको अगाध श्रद्धा हो। अब शुरू करते हैं। मैं रेकी के यहां होने का धन्यवाद करता हूं। मैं संदीप जैन के यहां होने का धन्यवाद करता हूं। मैं संदीप जैन रेकी के यहां होने का धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर मिकाओ सुई, डॉक्टर हयाशी, मैडम टकाटा, रेकी एंजल्स, आर्क एंजल्स, देवी अवलोकतेश्वरा, मैं आप सभी का आवाहन करता हूं आप सबके यहां होने का। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब आपके लिए मैं प्रार्थना का आरंभ करूंगा। आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। इसके लिए आपको गाशो मुद्रा में मैं रेकी के यहां होने का धन्यवाद करता हूं। मैं अपना पूरा नाम ले के यहां होने का धन्यवाद करता हूं। मैं अपना पूरा नाम रेकी के यहां होने का धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर मिकाओ उसुई, डॉक्टर हयाशी, मैडम टकाटा, रिकी एंजल्स, आर्क एंजल्स, देवी अवालोकतेश्वरा, रिकी ग्रैंड मास्टर संदीप जैन के यहां होने का धन्यवाद करता हूं। मैं परम पिता परमेश्वर एवं अब आप अपने देवताओं का नाम ले सकते हैं कि यहां होने का धन्यवाद करता हूं। मैं एक रेकी सेशन, रेकी सत्र शुरू करने वाला हूं, इसलिए कृपया अपना दिव्य आशीर्वाद, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य संरक्षण प्रदान करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब उस शांत जगह पे आप किसी कुर्सी पे आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं या अपने बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथों को इस प्रकार से रगड़े। थोड़ी देर में आपको थोड़ा गर्मी का एहसास होगा। इससे हाथों के अंदर जो छोटे चक्र होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। हर कोई जानता है कि हमारा हृदय यहां पर होता है।
इसलिए जब मैं बोलूं तो अपने हाथों को इस तरह से कप्ड फॉर्म में, एक प्याले के रूप में बना के इसको हमें यहां पे रखना है। ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऊपर नीचे, ये थोड़ा बहुत सब ठीक है। इस तरह से रखना है तथा पूरे सत्र के दौरान आपकी आंखें बंद रहेंगी और आपका पूरा ध्यान आपके हृदय पर केंद्रित रहेगा। बंद आंखों से आपको अपने हृदय को निहारना है और उसे स्वस्थ होता हुआ महसूस करना है। ऐसा करने से चमत्कारिक लाभ होता है और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके हृदय में प्रवाहित होने लगेगी और वहां का रोग धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव अफर्मेशन भी बोलना है, जिसमें आप कह सकते हैं, इस रेकी सत्र से मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। इस रेकी सत्र से मेरा दिल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। इस रेकी सत्र से मेरा हृदय पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। इसको लगातार आपको दोहराना है। सिर्फ आपका ध्यान बंद आंखों के साथ हृदय पर केंद्रित रहेगा, शब्द लगातार ये बोलते रहेंगे और आपके हाथ कप्ड फॉर्म में आपके हृदय के ऊपर रहेंगे। बाकी का काम मैं करूंगा। उस परमपिता परमेश्वर की अनंत शक्ति को आपके साथ जोड़कर इस रेकी सत्र से आपके हृदय की तमाम मुश्किलात, तमाम दिक्कतें, सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। चलिए आप इसको शुरुआत करते हैं। अब अपने हाथों को कप्ड फॉर्म बनाकर अपने हृदय पर रख लें। आंखों को कोमलता से बंद करके अपने हृदय को निहारना शुरू करें एवं मन ही मन सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराएं। इस रेकी सत्र से मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। इस रेकी सत्र से मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। इस रेकी सत्र से मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इस रेकी सत्र से मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी कृपा कर, जो व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई प्रार्थना करने से, मेरे और इस रेकी के सिस्टम से जुड़ गया है, कृपया उसे तत्काल पूरी तरह से आप उसके हृदय को स्वस्थ कर दें। सभी प्रकार के रोग, दोष एवं पीड़ा को तत्काल समाप्त करें और पूरी तरह से हृदय को स्वस्थ कर दें। हृदय का साइज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उसे सामान्य कर दें। हृदय की धमनियों में जो अतिरिक्त वसा, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है,
उसे डिसॉल्व कर दें और धमनियों को खोल दें। वॉल्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप उसे तत्काल स्वस्थ कर दें। सभी धमनियां पूरी तरह से खुल जाएं और उनमें रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होने लगे। दिव्य ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए अज्ञा चक्र में, अज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र में प्रवाह कर रही है। शरीर के तमाम उन हिस्सों में जहां पर हृदय रोग का मूल छुपा हो, ये रेकी एनर्जी वहां पर जाए और उस मूल को समाप्त कर दे, ताकि ये रोग जड़ से समाप्त हो जाए। इस सेशन को करने वाला व्यक्ति हृदय रोग के मूल कारण, चाहे वो किसी भी कारण से हो, से मुक्त हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे दाता, अपनी अनुकंपा वर्षा। दिव्य रेकी एंजल्स, आर्क एंजल्स, मदद करें प्रभु, अपनी हीलिंग प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस संसार में बहुत दुख है और उन दुखों में एक बड़ा दुख हृदय रोग से संबंधित है। कृपया उसे समाप्त करने में हमारी मदद करें। हे प्रभु, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूं, दिव्य ऊर्जा अपने पूरे प्रवाह के साथ आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। आपके स्ट्रेस, इमोशनल इश्यूज एवं दूसरे कारण जो हृदय गति, उच्च रक्तचाप, हृदय में रुकावट, इन सब का कारण थी, सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। आप स्वस्थ होते जा रहे हैं, आपका हृदय स्वस्थ होता जा रहा है, आपका हृदय स्वस्थ होता जा रहा है, आपका हृदय स्वस्थ हो गया है। परमपिता परमेश्वर की अनंत शक्ति से, रेखी से आपका हृदय स्वस्थ हो गया है। सारी नकारात्मक ऊर्जा विस्थापित हो गई आपके हृदय से, निकलकर चैनल आउट हो गई। हृदय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, हृदय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, हृदय पूरी तरह से स्वस्थ। हृदय का अग्रभाग पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, हृदय का पीछे का हिस्सा
सारी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होता जा रहा है। हृदय की नाड़ियों की जो कैल्सिफिकेशन है, जो अकड़ाव है, वो भी समाप्त होता जा रहा है। नाड़ियां मुलायम पड़ती जा रही, धमनियां मुलायम होती जा रही, जिससे रक्त का प्रवाह और अच्छे तरीके से हो सके। धमनियां खुल गई, खुलनी चाहिए। मेरे साथ इस सत्र को करने वाले व्यक्ति तत्काल राहत महसूस कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की अनंत शक्ति ने आपके हृदय को बहुत तेजी से स्वस्थ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समस्त दिक्कतें, समस्त परेशानी समाप्त होती चली जाएंगी और आप बेहतर फील करेंगे। अच्छा भोजन, सात्विक भोजन एवं क्षारीय भोजन इस रोग को ठीक करने के लिए अनिवार्य है। कृपया अम्लीय भोजन का त्याग करें। अम्लीय पदार्थ जैसे दूध वाली चाय, इसका निषेध करें। ये शरीर में बहुत अधिक मात्रा में अम्ल पैदा करती है। इसके स्थान पर आप ग्रीन टी या हर्बल टी ले सकते हैं। सुबह उठते ही 2 से 4 ग्लास हल्का गर्म पानी पहले आहार के रूप में लें, जिससे आपकी आंतों की अच्छी सफाई हो जाएगी। ये भी आपके सिस्टम को ठीक करने में अत्यधिक सहायक होगा। चलना और सैर करना बहुत जरूरी है। आमतौर पे जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो हम उसे तेज चलने की सलाह देते हैं, लेकिन यदि आपको हृदय की परेशानी हो चुकी है तो आप धीरे धीरे चलें, लेकिन चलना बहुत जरूरी है। इस सत्र को करने से आपकी वो परेशानी भी, जैसे चलने में दर्द होती है या सांस फूलती है, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। सुबह सुबह और शाम को हरी घास पर चलना नंगे पैर बहुत अधिक फायदा करती है। उससे आपको ग्राउंडिंग और हीलिंग दोनों प्राप्त होती है। इस सत्र को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या आप इससे बचना चाहते हैं तो इस सत्र को रोज
कम से कम एक बार 40 दिन तक लगातार करें। यदि आप इससे अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस सेशन को दिन में कई बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा सत्र अब समाप्त होने वाला है। अब आपको अपने हाथों को फिर से उसी तरह से रगड़ना है जब तक कि आपके हाथ गर्म ना हो जाए, और फिर इन हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं और इस दिव्य ऊर्जा को आप अपनी आंखों में जाने दें, वो गर्माहट फील करें और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। अब हमें फिर से समापन करने के लिए प्रार्थना करनी है। जितनी भी हायर एनर्जीज को हमने आवाहन किया था उन सब का आभार व्यक्त करके उन सब को विदा करना है। इसके लिए पुनः मैं अपनी प्रार्थना करूंगा, इसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं रिक्की क्या होने का धन्यवाद करता हूं। मैं संदीप जैन क्या होने का धन्यवाद करता हूं। मैं संदीप जैन रिक्की क्या होने का धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर मिकाओ सुई, डॉक्टर हयाशी, मैडम टकाटा, रिकी एंजल्स, आर्क एंजल्स, देवी अवालोकतेश्वर, आप सबका बहुत बहुत आभार अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, हमारी हीलिंग करने के लिए, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। पुनः से गाशो मुद्रा लगाएं और मेरे बाद बोले। मैं रेकी के यहाँ होने का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना पूरा नाम ले कि यहाँ होने का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना पूरा नाम ले रेकी के यहाँ होने का धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर मिकाओ सुई, डॉक्टर हयाशी, मैडम टकाटा, रेकी एंजल्स, आर्क एंजल्स, देवी अवालोकतेश्वर, रेकी ग्रैंड मास्टर संदीप जैन के यहाँ होने का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर के यहाँ होने का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने समस्त देवता पर जिनको आपने पहले बुलाया था सबका नाम ले लें कि यहाँ होने का धन्यवाद करता हूँ। इस रेकी सत्र को करने में हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर मिकाओ सुई ने, जिन्होंने जापान में लगभग 1800 ईस्वी मध्य में रेकी की पुनः खोज की थी, उन्होंने इस रेकी के साथ साथ एक प्रिंसिपल बनाया एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का, जो कि हमारे पूर्वकृत कर्मों को समाप्त करने में सहायक होता है तथा रेकी के प्रभाव स्थायी होते हैं। यदि आप
एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हमारे साथ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विवरण अनुभाग डिस्क्रिप्शन एरिया में जो लिंक हैं उनको यूज करके आप अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सत्र को करने से आपको लाभ हुआ है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। इस प्रकार आप हमारे इस डिवाइन क्योर मिशन में एक पॉजिटिव पार्टनर बन जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपका कल्याण करें। स्वस्थ रहें। नमस्ते।